हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बंटी सोनी और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से किसी के भी एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन को हमारे फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं और उसके फ़ोन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लिए प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद एक दोस्तों ऐप है जिसका नाम है इंकवायर। वह ऐप हमें हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में इंस्टॉल करना है। यह दोस्तों यह ऐप दो फ़ोनों में एक साथ चलता है, क्योंकि दोस्तों पहले फ़ोन जिस भी फ़ोन की हमें स्क्रीन को शेयर करना है, एक तो वहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, दूसरे फ़ोन में हम इसे एक्सेस करना है, तो इसलिए हमारा दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन भी इसमें काम आता है। और दोस्तों ये हमें प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, हमें इसे वहाँ से डाउनलोड करना है और ये मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे ओपन करूँगा। दोस्तों हमें इसे दोनों डिवाइस में ओपन करना है और ओपन करने के बाद इस ऐप की एक वेलकम स्क्रीन आएगी, जिसके अंदर दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं, एक तो शेयर का और एक एक्सेस का। दोस्तों शेयर का मतलब यह है कि हमें जिस भी फ़ोन की स्क्रीन को शेयर करना है, हम उस एंड्रॉयड फ़ोन में शेयर पे क्लिक कर देंगे और जिस भी फ़ोन में हमें उस स्क्रीन को देखना है तो हम उसमें एक्सेस पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैं मेरे पहले फ़ोन में इसमें शेयर पे क्लिक करता हूँ। शेयर पे क्लिक करने के बाद यह हमसे एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें हमसे पूछता है कि इंक्वायर विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। और दोस्तों हमें इसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इसमें नंबर लिखे हुए आ जाते हैं और दोस्तों ये एक्सेस कोड रहते हैं। हमें इन एक्सेस कोड को हमारा दूसरा डिवाइस है, जिस भी डिवाइस में हम इस स्क्रीन को एक्सेस करवाना चाहते हैं उस डिवाइस में हम यह है हमारे यह नंबर उसमें एंटर कर देंगे। और ये दोस्तों मैंने इसमें मेरा नंबर एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद मैं इसमें एक्सेस पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसमें एक्सेस पे दूसरे वाले डिवाइस में क्लिक करूँगा, एक्सेस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा पहला डिवाइस है, जिस भी डिवाइस की हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे, वहाँ पे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसके अंदर लिखा हुआ रहेगा गॉट इट, और हमें इसमें गॉट इट पे क्लिक करना है। और दोस्तों जिस भी स्क्रीन में हम यह देख रहे हैं उसमें हमसे एक पॉप मैसेज पूछता है एनेबल द माइक्रोफोन टू स्टार्ट अ वॉइस चैट। दोस्तों हम इसके थ्रू हमारी वॉइस चैट भी कर सकते हैं स्क्रीन को देखने के साथ साथ, बट अभी मैं इसे नो थैंक्स कर दूंगा। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि अब मैं जो मेरे पहले फ़ोन में जो भी काम कर रहा हूँ वह मेरे दूसरे फ़ोन में भी शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से कभी कभी आपसे भी कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी आपसे कुछ भी पूछता होगा कि उससे ही यह चीज़ नहीं हो रही है उसके फ़ोन के अंदर, तो दोस्तों हम उसे आसानी से बता सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी यह कोई भी बंदा हमारे पास में बैठा रहता हो तो हम उससे पास में बैठे हो तो उसके फ़ोन में बता देते हैं, पर दोस्तों कभी कभी हमारे पास हमारे फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाता है तो हमें उन्हें यह चीज़ फ़ोन पे बतानी पड़ती है कि तुम ये करो वो करो। तो दोस्तों फ़ोन पे बताने से बहुत अच्छा है कि हम उसकी स्क्रीन को इस तरीके से एक्सेस कर लें और उसे आराम से हम हमारी कुछ भी चीज़ उसे समझनी है वह चीज़ हमें उसे समझा सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन हमारा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वरना यह इस तरीके से जो मेरी स्क्रीन धीरे धीरे चल रही है वैसे ही धीरे चलता है, वरना दोस्तों ये बिल्कुल भी धीरे नहीं चलता है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, बट दोस्तों इसमें इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों एक ज़रूरी बात कि इसके अंदर हमें एक दूसरे के पास बैठे रहने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। हम दोस्तों चाहे हमारे शहर में हो, चाहे शहर से बाहर हो, चाहे घर के बाहर हो, हम कहीं पे भी हमारी स्क्रीन को इसमें आसानी से किसी के भी फ़ोन की स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं।